क्या जेट्स पुराने होने वाले हैं? क्या ह्यूमन पायलट्स का फाइटर जेट को उड़ाने में कोई रोल नहीं रहेगा? और क्या इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे अच्छा फ्यूचर का एयरक्राफ्ट अनमैन्ड तेजस है? जी हाँ, ऐसी ही कुछ बातें एलन मस्क, जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, उन्होंने एक यूएस एयरफोर्स के एक प्रोग्राम में कही हैं। उनका कहना है कि अगले कुछ सालों में ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि ड्रोन से चलने वाले फाइटर जेट्स फ्यूचर की वॉरफेयर फील्ड को डोमिनेट करेंगे, जाने कि हमें ह्यूमन पायलट्स की जरूरत नहीं रहेगी। हमें फाइटर जेट्स उड़ाने के लिए सिर्फ एक ड्रोन या एक ऑटोनोमस सिस्टम की जरूरत होगी। एलन मस्क की ये बात किस हद तक सही है, और अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आती है तो ये फ्यूचर को कैसे डोमिनेट करेगी, उसी के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। SpaceX के CEO एलन मस्क का कहना है कि वो कॉन्फिडेंट हैं, यानी कि वे पूरे तरह श्योर हैं कि ट्रेडिशनल वॉरफेयर एरा अब पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और अब फ्यूचर में सिर्फ ड्रोन फाइटर प्लेन्स ही स्काई को डोमिनेट करेंगे और अमेरिका के सुपर एडवांस्ड F-35 फाइटर जेट्स को भागने के लिए कोई भी राह नहीं बचेगी। ये उन्होंने एयर वॉरफेयर सिंपोजियम के एक गैदरिंग के ऊपर ये बात कही। उनका कहना है कि भविष्य के एयर डोमेन में लोकली ऑटोनॉमस ड्रोन वॉरफेयर ह्यूमन फाइटर वॉरफेयर की जगह ले लेगा। उनका कहना है कि वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन फ्यूचर ऐसा ही होने वाला है। जैसे किसी आम ड्रोन को कंट्रोल किया जाता है, वैसे ही इन फाइटर जेट्स को कंट्रोल करने वाले लोग अपने हेडक्वार्टर्स में बैठकर ही बैटलफील्ड को कंट्रोल करेंगे। इसके बाद एक ट्वीट में SpaceX के फाउंडर ने कहा कि दुश्मन का कॉम्पिटिटर एक ड्रोन फाइटर प्लेन होना चाहिए, जो कि एक रिमोट से एक ह्यूमन द्वारा रिमोटली कंट्रोल किया जाना चाहिए, लेकिन इसकी मनूवरिंग को ऑटोनोमी के साथ ऑगमेंट करना चाहिए। ऐसे एक फाइटर प्लेन के अगेंस्ट F-35 का कोई भी चांस नहीं होगा। जहां पर आपको दोस्तों बता दें कि ऐसा कहना सिर्फ बातें ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्लेन्स कुछ डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप कर रही हैं। UK ने भी अपना 6th generation फाइटर प्लेन प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें वो एक अनमैंड फाइटर जेट प्लेन डेवलप कर रहा है। अमेरिका की एयरफोर्स ने भी हाल ही में एक एडवांस जेट पावर्ड ड्रोन टेस्ट किया है, जिसका नाम XQ-58A है, जो कि एक ह्यूमन पायलट फाइटर जेट को मिशंस के ऊपर अकंपनी कर सकता है, यानी कि एक ह्यूमन द्वारा पायलट किए जा रहे एयरक्राफ्ट के साथ ये ड्रोन साथ में उड़ेगा और उसका साथ देगा। ये ऑटोनॉमस अनमैंड व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, स्ट्राइक और सर्वेलेंस में एक बड़ा रोल निभा सकता है। ये नया वॉलकायर एयरक्राफ्ट स्मार्ट बॉम्ब्स का एक छोटा पेलोड कैरी कर सकता है और इसकी रेंज 2500 माइल से ज़्यादा है। यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका के F-16 फाइटर फाल्कन की रेंज 2600 माइल्स है और वहीं F-22 रैप्टर की रेंज 1800 मील से ज़्यादा है। ऐसा ही एक एयरक्राफ्ट इंडिया में भी डेवलप करने की बातें चल रही हैं। इंडिया में भी तेजस फाइटर जेट का एक अनमैंड वेरिएंट डेवलप करने की बातें चल रही हैं। अगर ये फाइटर जेट अनमैंड वेरिएंट में बना दिया जाता है तो ये एक इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट शामिल होगा, यानी कि अगर ऐसा एयरक्राफ्ट बन जाता है तो हम अपने पायलट्स की जानें बचा सकते हैं और इन नए प्लेन्स के साथ हम ज़्यादा डेंजरस मिशंस को भी अंजाम दे सकते हैं। ऐसे एयरक्राफ्ट फ्यूचर के वारफेयर को ह्यूमंस के लिए ज़्यादा सेफ बना देंगे। इसके साथ ही इंडिया के फ्यूचर के 5th generation फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA, जिसे कि डिवेल्प किया जा रहा है, उसके साथ भी एक वॉलकायर जैसा ही एक अनमैंड ड्रोन डेवलप करने की बातें भी चल रही हैं, जो कि AMCA के साथ साथ बैटलफील्ड में ऑपरेट कर सके। इसके साथ ही एलन मस्क ने यह भी कहा कि जैसे कि स्टार ट्रैक में स्टार फ्लीट दिखाई गई है, वैसे ही एक स्टार फ्लीट अमेरिका भी बना सकता है। उन्होंने कहा कि हम स्टार फ्लीट को रियल कैसे बना सकते हैं। उनका कहना है कि इसके लिए हमें रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स की जरूरत होगी, जो कि मिलिट्री के स्पेस एम्बिशंस को पूरा करने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी हर साल आगे बढ़ती रहती है और जो देश टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे छूट जाएगा, वो कभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता और ना ही एक बड़ी इकॉनमी बन सकता है। तो इसीलिए इंडिया को भी अगर एक रेलेवेंट मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर बने रहना है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होगी और फ्यूचर के बारे में अभी से ही सोचना शुरू करना होगा।
इंडिया 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के ऊपर ही फोकस करता नहीं रह सकता, उसे अब फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और सिक्स जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए ताकि वो अपनी फ्यूचर की वॉरफेयर में अपना दबदबा बनाए रख सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।